ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने ये इस तरीके से पर्स बनाया है। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये कैसे बनाया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको हैंड पर्स बताने जा रही हूँ। ये मेरे पास एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं उन्हें बेबी पर्स बताऊं, तो मैं ये पर्स आपको इस तरीके से बताने जा रही हूँ कि आप बड़े भी यूज कर सकते हैं, छोटे भी यूज कर सकते हैं इसको। देखिए, ये मैंने फर वाला कपड़ा लिया है बैग बनाने के लिए। छोटे बच्चे फर वाले कपड़े का ही बैग यूज करते हैं, जो कि आपने देखा भी होगा रेडीमेड मिलते हैं। और जो कि मैंने कपड़े की लंबाई तो ली है 20 इंच और चौड़ाई ली है मैंने 11½ इंच, ठीक है। और उसके बाद हम आपको इस पे मार्किंग करना बताएंगे किस प्रकार से हम इस बैग को शेप देंगे, जिसके लिए ये तो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होगा, ठीक है, और ये हमारा बंद साइड होगी, ये खुली साइड होगी। यहाँ पे जिप लगेगी, यहाँ से हम इसको कट नहीं करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ से लेंगे हम ऊपर से लेंगे हम 3 इंच, ठीक है, और 3 इंच ही हम इधर लेंगे इतना। और इसको हम कुछ इस प्रकार से शेप देंगे। ये देखिए, यहाँ से इस कोने से ऐसे मिलाना है हमको, इस कोने से ऐसे ही हम इस तरफ को शेप देंगे ऐसे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से 3 इंच लिया, यहाँ से 3 इंच लिया, इसको मैंने इन कॉर्नरों से बिल्कुल मिला दिया है। अब इसमें से हम आधा ही सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे, तो इसमें थोड़ा कम कर देंगे हम यहाँ से, क्योंकि हमारी सिलाई भी लगेगी। यहाँ से ऐसे और इस तरफ से भी। अभी देखिए, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग मुझे यहीं से करनी है जहाँ से मैंने निशान लगाया है, जो 1/2 इंच मैंने बढ़ा दिया था वहाँ से चलना है। देखिए इस तरह, ये देखिए, और उसके बाद साइड में भी हमें वेस्ट देना है इसमें। इस तरीके से ये देखिए, ये हमारी बैग की शेप होगी इस तरीके की। और इसमें हम बीच में भी बेस के लिए कपड़ा लेंगे ऐसा ही। अभी देखिए, जैसे मैंने ये वाला पीस तैयार किया है, सेम ऐसे ही मैं इसको रख के इस कपड़े के ऊपर और ऐसे ही ये भी कट कर लूंगी। इधर से भी हम ऐसे कट करेंगे इसको। इसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा कम कर रही हूँ इसको। अभी दोनों फिर एक साथ सेम भी तो हो जाएंगे, अगर हम अलग करते तो सेम नहीं होते। अभी देखिए, ये हमारे इस तरीके से ज्वाइंट होंगे। अब मैं आपको इन्हें सिल के बताऊंगी। अभी देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब उसके बाद हमें साइड का बेस लगाना है इसमें साइड में। अब जैसे इसकी तैयार है, इसकी हाइट है 10 इंच, ठीक है, 10 इंच इसकी हाइट है बैक की। अब उसके बाद हमें इसमें 2 इंच कम लेना है इसमें, ठीक है। तो हम 8 इंच की एक शेप में पट्टी कट करेंगे, ठीक है, जिस इसी कपड़े की, क्योंकि 2 इंच हमें ऊपर से कम लेना है। इसमें हम जिप लगाएंगे, थोड़ा इसमें शेप बन के आएगी अच्छे से। और उसके बाद ये मैं चौड़ाई तो लूँगी 3 इंच, और जैसे हमारा ये देखिए पूरा कपड़ा 8 इंच बैठ रहा है, तो इसको हम फोल्ड करके निकालेंगे। अभी हम एक ही पीस निकाल रहे हैं इसका, तो जब हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा 4 इंच बैठेगा। तो 4 × 2 = 8, ठीक है। तो ये हमारा 8 इंच बेस साइड का तैयार हो चुका है। अब उसके बाद ये देखिए, हमें ये इस तरीके से निकालना है। यहाँ से तो हमें बिल्कुल ऐसे ही निकालना है, और यहाँ से ऐसे इसकी शेप बनानी है। ये देखिए, यहाँ से ऐसे, ठीक है। और ये चौड़ाई मेरी इतनी है, 3 इंच जितनी की मैंने ली थी। अब उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये मुझे 2 निकालने हैं। ये देखिए,
ये इस तरीके से कट के आया है। और इसमें हम कोई कपड़ा कोई फॉर्म नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमारा कपड़ा ये इतना अच्छा है तो इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसको हम ऐसे रखेंगे, ये हमारा बेस सेंटर है इसका, तो यहाँ से इसे ऐसे लगाना स्टार्ट करेंगे हम। फर अंदर की तरफ को डाल देंगे यहाँ से ऐसे, बीच से सिलाई लगानी है ताकि सिलाई का ये पता रहे कि कहाँ से कहाँ तक चलानी है। दोनों साइड से ऐसे ज्वाइन करनी है हमको ये। देखिए दूसरी साइड से भी मैं ऐसे सिलूंगी इसको जैसे मैंने इसको सिला है। यहां से ऐसे ही लाना है ऊपर की साइड। और कपड़ा ज्यादा नहीं दबाना, थोड़ा थोड़ा ही दबाना है। मैं दूसरी साइड का पेस्ट तैयार करूंगी। ये देखिए दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे इसको। ये इसका सेंटर पॉइंट है, बीच वाला सेंटर पॉइंट से सिलाई लगानी है हमको यहाँ से। यहाँ से ऐसे लगाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ये फर अंदर की तरफ डाल लेंगे। इस साइड से भी ऐसे सिलना है हमको ये। कपड़ा कम दबाना है। ये जहां तक हमने ये चेक किया था वहीं तक हमको ये सिलना है। अभी देखिए इस साइड हमारी जिप लगेगी, अब हम इसे सीधा करेंगे इसको हम। तो देखिए इस तरीके से इसकी शेप आएगी ऐसे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें जिप लगानी है। तो जिप लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम ये वाला कपड़ा ये जिप लेंगे हम, ये वाली जिप लेंगे। जिप को हम ऐसे उल्टी साइड रखेंगे, ऐसे उल्टा रखना होगा जिप को सीधे कपड़े की तरफ को। इस वाले कपड़े की तरफ को जिप को उल्टा रखना होगा और सीधी सिलाई लगानी है इसके ऊपर। और जो एक्स्ट्रा जिप होगी उसे कट कर देंगे बाद में। अभी देखिए अब इसे सीधा करके और फिर से एक सिलाई लगानी है इसके ऊपर। अब दूसरी साइड से भी ऐसे करेंगे। इसे एक्स्ट्रा जिप को यहाँ से कट कर देंगे थोड़ा छोड़ के इतना। अब उसके बाद जिप को खोल लेंगे हम, पूरी नहीं खोलनी क्योंकि ये हमारा, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं क्योंकि एक साइड से तो हमने इसको सिल लिया है। अब दूसरी साइड से हम इसको हल्का सा फोल्ड करके जितना हमारा इस सिलाई में दबा था उतना हम इसे या फिर उल्टा करके लगा सकते हैं। ये देखिए दो तरीके हैं इसके, जिप को उल्टा करके और ऐसे रख लें, इस बैग को उल्टा करके सॉरी।
सीधा कर लें फिर इसको दोबारा से, फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगा सकती हैं आप। ठीक है, यहाँ पे अब एक सिलाई लगाएंगे हम। अभी देखिए जो हमारी खुली साइड है इनको हम ऐसे बंद कर लेंगे, यहां से बराबर करके इसको जिप को। जिप को बिल्कुल बराबर करके तब सिलना है। कपड़े को भी बराबर करना है बिल्कुल। एक सिलाई और लगाएंगे मजबूती के लिए। अब उसके बाद दूसरी साइड से सिलेंगे इसको। देखिए इधर से खुला है ये पूरा, यहाँ से भी खुला है, यहाँ से भी एक सिलाई लगा लेंगे हम। ऐसे और जिप को खोल के इसे फिर से सीधा करेंगे। देखिए ये पर्स इस तरीके से बन के आया है हमारा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हम इसमें फेल्ट लगाएंगे। अभी देखिए इस पे हम आपको बेल्ट लगाना बताएंगे। ये मैंने रिबन दिया है, जो रेडीमेड रिबन होते हैं उनको मैं यहाँ से लगाना स्टार्ट करूँगी। ये सुई से लगाने हैं हमको, क्योंकि इसका मुंह बंद हो चुका है तो मशीन चलाना थोड़ा। ये देखिए ऐसे, वैसे भी फर वाला कपड़ा इसमें दिखाई नहीं देंगे, फर ऊपर हो जाएंगे तो ऐसे दोनों साइड को लगाने हैं हमको। ये एक एक इंच की दूरी पे लगाना है हमको, ये पीस इस 20 सेंट की सिलाई से 1 इंच की दूरी पे। देखिए ये मेरा बेबी पर्स आपके सामने बनके तैयार है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।